हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली डेयरी होती वहां जाकर सोता था। बादशाह होता है और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और बहादुरी के मामले के अंदर जायसवाल का मुकाबला नहीं है। पहले आज अगर हम बात करें तो आज शानदार किस्म की सेंचुरी मार चुका है और इससे भी ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि इंडिया के बदले से डरना चाहिए, इंडिया जो है जब हारता है तो उससे ज्यादा खतरनाक किस्म के तरीके से सामने वाली टीम को कमबैक करके हराता है। मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको हिंदुस्तान का लड़का जसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली डेयरी होती वहां जाकर सोता था। बादशाह होता है और वो माशाल्लाह से जितना उसका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी फिजिक है, जो उसकी पर्सनालिटी है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है और बहादुरी के मामले के अंदर जायसवाल का मुकाबला नहीं है। पहले आज अगर हम बात करें तो आज शानदार किस्म की सेंचुरी मार चुका है और इससे भी ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि इंडिया के बदले से डरना चाहिए, इंडिया जो है जब हारता है तो उससे ज्यादा खतरनाक किस्म के तरीके से सामने वाली टीम को कमबैक करके हराता है। मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। So, उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है। दोस्तों, जायसवाल ने आज फिर से सेंचुरी लगा दी, लेकिन इस बार किसी को हैरान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये खिलाड़ी अंग्रेजों को तोड़ने वाला है और ठीक वही हुआ। जायसवाल ने अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा है और रही सही कसर शुभमन गिल ने पूरी कर दी। उन्होंने 65 रन बनाए और अगर दोनों की कंबाइंड बात करें तो भारत 2 विकेट के नुकसान पर 196 रन तक पहुंच चुका है। दोस्तों, जायसवाल लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी है, लेकिन अगर बात करें पिछली इनिंग की तो मात्र ये 10 रन ही बना पाए थे और उनको देखकर लग रहा था कि अगली इनिंग में ये कसर पूरी करने वाले हैं और ठीक वही हुआ जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, जायसवाल को टेस्ट में खिला और उम्मीद में यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। लेकिन आज यशस्वी जायसवाल ने गोरों को ये दिखा दिया है भाई कि हकीकत में बेसबॉल खेलते कैसे होते हैं। और एक घंटे के अंदर जो है वो इंग्लैंड की टीम को इतना चबथरा कर दिया ना, यानी कि पागल कर दिया। और बेसबॉल की डेफिनेशन क्या होती है ना, वो आज अच्छे तरीके से जो याद करवाई है यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड की टीम को। ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध वाली डेयरी होती वहां जाकर सोता था। ये ग्राउंड मैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करता हूं नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन, 190 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है अपनी टीम मेट को, रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी बेचता था। जस्ट इमेजिन, इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जाता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जायसवाल। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो, और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जायसवाल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर। और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पटाई करके दिखाया। और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आया और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जबकि बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा, अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगरचे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की एक एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो दोनों में कितना बड़ा गैप है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रहे हैं। कंप्लीट पैकेज देख रहे हैं पेसर स्पिनर्स, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया इस वक्त राज कर रही है बॉलिंग अटैक से भी, और अगर आप बैटिंग में देखें वो तो हमेशा से नाम बनाए रखी। तो जैस
जायसवाल ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजा दिया आज पकड़ के, मतलब क्या लड़के ने बैटिंग किया, उसने घंटे के साथ साथ बेटा छनकना भी बजाया इनका, ये बेसबॉल बूसबॉल उसने घुसा दिया इनकी, कि बेटा आपकी बेसबॉल सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, इधर इंडिया में आपकी बेसबॉल नहीं मैं चलने दूंगा, इधर मेरी अपनी जायसवाल चलेगी पाकिस्तान में। अब क्यों जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों करवा रहे उसको ट्रेंडिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने इंग्लैंड को बजा दिया पकड़ के, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि कभी पाकिस्तान का कोई प्लेयर इंडिया में ट्रेंडिंग करता हो, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि हम ट्रेंडिंग करें। हाँ, बाबर आजम ने कभी इस तरह की इनिंग की हो, कभी इस तरह की इनिंग बाबर आजम ने खेली हो, कभी मेरे उत्तर हाफ में भी नहीं खेली होगी, लेकिन जायसवाल ने जो बैटिंग किया पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग कर रहा है। अभी सोशल मीडिया खोलो, ट्विटर खोलो, जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में, और हर बंदा हर क्रिकेट फैन, चाहे वो हेटर है चाहे वो लवर है, वो जायसवाल की इनिंग की तारीफ कर रहा है, क्योंकि उस बंदे ने इनिंग इतनी जबरदस्त खेल दी है। हमारे देख लो पाकिस्तान में वो आजम खान, गेंडा, ये जितने भी है, वो साईं अयूब टांगे उठाने वाला, ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ नाम के किंग है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड हमने बना दिए हुए हैं, ग्राउंड में तो ये घंटा करवाते हैं। एक 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 आईपीएल में परफॉर्म करने वाला लड़का देख लो टेस्ट क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहा है, क्यों? टैलेंट प्लस स्किल इज इक्वल टू जायसवाल। सिर्फ आईपीएल में नहीं चलता, सिर्फ T20 में नहीं चलता, टेस्ट क्रिकेट में क्या बैटिंग कर गया वो बंदा, उस बंदे ने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। आपके पास टैलेंट, दिल कर रहा मैं डंडा अंदर दे दूं आप लोगों के, डंडे पकड़ के मैं आप लोगों के अंदर दे दूं, मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि आपके पास तो टैलेंट ही नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोल किया करो टीम इंडिया को, आप ये जो पाकिस्तान के कुछ घंटे के एक्सपर्ट है, ये जो बैठ जाते हैं ट्विटर पे सोशल मीडिया बैठ के इंडिया को ट्रोल किया करो, बेटा मेरी एक बात सुनो, अच्छी क्रिकेट की तारीफ करना सीख लो, अभी भी कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये वो पुर करा दो, तारीफ करो। पाकिस्तान में राशिद लतीफ ने ये पता क्या स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में इस टाइम जायसवाल के लेवल का भी कोई प्लेयर नहीं है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तो दूर की बात है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे आई फेल्ट के इंडिया ने अपना सही जो है ना, मतलब डोमिनेट किया इन सही मानो, एंड क्रेडिट फॉर दैट गोज टू जायसवाल यार। इसी पिच के ऊपर इन्हीं कंडीशन के अंदर रोहित शर्मा भी आउट हुए, लेकिन उसी पिच के ऊपर जायसवाल शानदार किस्म की इनिंग्स खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये इंडिया का एक फ्यूचर का शानदार किस्म का स्टार है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी है, वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। यकीन करें कि टेस्ट क्रिकेट को इसने इंटरेस्टिंग बना के रख दिया है, जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बना के रख दिया है, शानदार किस्म की इसकी परफॉर्मेंसेस चल रही है। अगर आप देखें तो इसने हर जगह खेल रहा है, सिक्सेस भी मार रहा है। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले दो एक जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पर बैटिंग पिच है, वो लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि एक दो ऐसे हैं कि क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे, बट वो थोड़ी सी कसर है, कहीं बॉलिंग में कसर है, इसलिए कि बेनता यूजलेस बॉलिंग हुई मैं तो ये कहता हूं, और एंड में खैर बैटिंग की तरफ जिस अंदाज से वो हमला करते हैं तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है। मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान से खेले ये गारंटी है, जिस खिलाने से पहले इसे T20 का खिलाड़ी समझा जाता था, कहा जाता था कि ये खिलाड़ी टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन जायसवाल ने सिलेक्टर्स की जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हैं, और यही वजह है कि लगता है कि टेस्ट में अब इनकी सीट पक्की हो चुकी है। अगर बात करें शुरुआती गेम की तो इन्होंने 65 बॉल्स पर मात्र 30 रन बनाए, यानी कि ये पिच को समझ रहे थे, ये बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब कंपनी मिली इन्हें शुभमन गिल की तो फिर इन्होंने बीस्ट मोड ऑन कर दिया, स्पिनर्स हो पेसर्स हो सबको इन्होंने एक ही लट से हांका है, और इन्होंने 5 छक्के और 9 चौके लगा दिए, 122 बॉल पर इन्होंने 104 रन की पारी खेली है, और जो इनका साथ दिया है शुभमन गिल ने वो भी एक और वजह है कि ये खिलाड़ी 104 रन तक पहुंच पाए हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर बात करें जायसवाल की तो ये मात्र 22 साल की उम्र के हैं, ये उनकी तीसरी सेंचुरी है और उनका 7वां टेस्ट मैच है। जिस तरीके से खिलाड़ी आगे बढ़ रहा है लगता है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, और भारत को और भी टैलेंट मिलने वाला है फ्यूचर में। BCCI ने स्पेशल इसकी वीडियो पोस्ट की और कहा है ये शानदार सेंचुरी है जायसवाल की तरफ से। BCCI को फैंस ने बधाइयां दी और साथ में कहा कि आपने ऐसे शानदार प्लेयर्स तैयार किए, ऐसे शानदार खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ रही सही कसर, जब ये मैच देखा जा रहा था भारत में तो पाकिस्तानियों में भी देखा, और उसके बाद पाकिस्तान से भी जायसवाल के लिए तारीफें आना शुरू हो गई। बहुत सारे खिलाड़ियों ने भी जायसवाल की तारीफ की, और उनकी खेल प्रतिभा को देख के पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी हैरान हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से आ रही इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।